खास तौर पर जब ऐसी औरत को आप तलाक देंगे तो बेचारी डबल गम में जाएगी, एक तो गम उसको औलाद ना होने का, दूसरा इले हुए शौहर से भी गए। तो अल्लाह ताला ने आपको दूसरी शादी का ऑप्शन दिया है, मर्द खुद के पास तो ये ऑप्शन है। इसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि जिन लोगों के औलाद नहीं है वो एक और शादी कर लें, तो आप एक और शादी करें, इसको तलाक ना दें, मेरा मशवरा ये है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त मुसलमान हुआ है, इसके हाथ में टैटू बना हुआ है, क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई भी नाजायज़ काम जब आप नमाज के दौरान कर रहे होते हैं तो नमाज़ आपकी मकरूह होती है, क्योंकि आप ऐन नमाज के वक्त में गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये हाथों में जो गुंदवा लेते हैं, जिस्म टैटू बनवा लेते हैं, ये भी नाजायज़ है। तो उसूल की रोशनी में तो नमाज़ मकरूह है, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब एक शख्स अगर सच्ची दिल से तोबा कर चुका है तो तोबा के बाद हर गुनाह माफ़ हो जाता है। अब अगर वो तोबा कर लिया उसने और वो हटवा सकता है वो निशान तो हटाए, हटा नहीं सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ दे और बस तोबा इस्तिगफार करे, तो इंशाल्लाह फिर नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।